जय माता दी। गणपति बापा मोरिया, लेट्स गो। तो कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल में जिसका नाम है लिविंग विद राजपूत्स। जी हाँ, तो इस अमेजिंग सी चांद की चांदनी में, ये चांद की चांदनी नहीं है, ये तो एक खम्बा है। एक मिनट, हनुमान जी की जय, जय माता दी। चलो, सो इस अमेजिंग चांदनी रात में हम जा रहे हैं मुंबई की एक रात वाली मुंबई दर्शन करने। जी हाँ, मुंबई की नाइट राइड का प्लान हुआ है हमारा। सो मुंबई की एक अमेजिंग बात मैं बताऊं, वो ये है कि आपको कभी भी अगर राइड पे जाना हो, आपको कभी भी अगर घूमने जाना हो मुंबई में, तो आप उसका कोई टाइम नहीं है। आप 24 घंटे में से कभी भी उठकर प्लान कर सकते हो कि मुझे आज घूमने जाना है या राइड पे जाना है, एंड यू कैन जस्ट लीव फॉर द सेम। अच्छा। वैसे ही हम कुछ ऐसे एंथुजियास्ट होते हैं जो रात के टाइम पर फुल एनर्जी में होते हैं। उनमें से एक मैं हूँ, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे सुबह के टाइम से ज़्यादा रात का टाइम ज़्यादा सूट करता है। मे बी इट्स बिकॉज आई एम नॉकटर्नल इन सर्टेन वेज। तो गाइस, पहले हमें भरवाना होगा थोड़ा पेट्रोल और उसके बाद हम निकलेंगे आगे की सवारी पर। कितना टाइम दिखा रहा है, ये एक चीज़ सही कर दी है, लाइव जर्नी टाइम टू बांद्रा टर्मिनस इज 38 मिनट्स। मतलब हमें आधा घंटा लगेगा बांद्रा पहुँचते और फिर शायद 45 मिनट्स लग जाए इन टोटल गेटवे ऑफ इंडिया पहुँचने के लिए। एक सबसे बेस्ट चीज़ जो करके रखी हुई है मुंबई में, पता नहीं किसके वजह से, G20 समिट के लिए है या फिर इलेक्शन आ रहे हैं या फिर अमेजिंग सा गवर्नमेंट ने काम किया हुआ है, वो ये है कि सारे के सारे रास्ते जो है मुंबई के, उनको सजा दिया है इन अमेजिंग लाइट्स के साथ। सही है, इतनी अमेजिंग सी पर्पल लाइट्स लगाई है यहाँ पे, ऐसा फीलिंग आ रही है कि मैं वकांडा में हूँ। कैसा लगा मेरा मजाक? मुझे एक सही बात लगती है कि मेरी वाली जो क्लासिक 350 है, ऑलमोस्ट नहीं तो भी अराउंड 35 तक की एवरेज देती है, तो मैं काफ़ी लंबे इंटरवल्स पे पेट्रोल भरवाता हूँ बाइक में। सो देयर वी गो गाइस, हमने पेट्रोल भरवा दिया, हमारी बाइक खाना खा चुकी है और हम भी खाना खा चुके हैं, और अब इस अमेजिंग सी रात के मज़े हम उठाएंगे, हम और शेरा इन मुंबई की सड़कों पर। थोड़ी सी गर्मी, थोड़ी सी ठंडी ठंडी हवाएं और अमेजिंग सा म्यूज़िक, तो आप एंजॉय कीजिए। जब तक हम पहुंचते नहीं कहीं पे, फिर हम बातें करते हैं थोड़ी सी, प्लीज़ एंजॉय। जब पहले ये स्ट्रीट लैम्प्स के ऊपर जो LED लाइट्स लगाई थी, तब मैंने नोटिस किया था, ये जो दो हाथ है ना, जोड़े हुए दो हाथ, ये दूर से दिखते हैं तो मैकडॉनल्ड्स का साइन लगता है। तो तब जब स्टार्टिंग में ये हुआ था, तो मुझे लगा था यार इन लोगों की मार्केटिंग इतनी तगड़ी है कि यार स्ट्रीट लैम्प्स पे लगा दिया। फिर जब नज़दीक से देखा, तब लगा कि अरे ये तो जोड़े हुए हाथ है, वेलकम करते हुए हाथ है, लेकिन दूर से आप देख रहे हो तो मैकडॉनल्ड्स का साइन लगता है। नहीं।
जनता माफ नहीं करेगी। सही है, कई बार तो ऐसे हो जाते हैं कि मुंबई की सड़कों पर जब आप बाइक राइड करते हैं या गाड़ी चलाते हैं तो इट्स काइंड ऑफ थेरेप्यूटिक। इट्स जस्ट यू योर बाइक एंड यू एंड योर कार, यू इनसाइड योर कार विद अमेजिंग म्यूजिक एंड मुंबई की सड़कें, ट्रैफिक कई बार परेशान भी कर देता है, लेकिन कई बार ऐसे होता है जब आप अपनी गाड़ी में होते हो तो यू काइंड ऑफ लाइक द ट्रैफिक एज वेल। इसीलिए मुझे तो भाई मुंबई से बहुत प्यार है, बहुत मतलब बहुत प्यार है। सो मुझे तो ट्रैफिक भी बढ़िया लगता है। बट आई जस्ट होप के गाइस के ये जो लाइट्स लगाई हुई है वो हमेशा ही रहे, बस कोई वेंडेटा को कंप्लीट करने के लिए ना लगाई हो या वोट जो बटोरने के लिए ना लगाई हो। आई थिंक इन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुल काम किया है ये लाइट्स लगाकर, मुंबई को बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग गॉर्जियस कर दिया। और भी मैसू की सड़कें ही हैं, मुंबई वालों को पता ही होगा यहाँ पे देखिए इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है, बिकॉज इट्स द फेमस, इनफेमस नहीं, फेमस बाबा फालूदा। सो बाबा फालूदा की अमेजिंग कहानी है। बाबा फालूदा जब शुरुआत हुई थी उनकी, तब उन्होंने शुरुआत की थी खुद की आइसक्रीम्स बनाने के साथ। उनकी डेयरी थी पहले शायद, और ये एक सुनी सुनाई कहानी है तो कितनी ट्रूथफुल है वो पता नहीं, लेकिन उन्होंने शुरुआत करी थी पहले आइसक्रीम्स बनाने के साथ। उसके बाद जब आइसक्रीम्स का बिजनेस नहीं चला तो तब उनके आई थिंक नेक्स्ट जनरेशन के जो थे उन्होंने बोला कि लाओ भाई हम बनाते कुछ इससे, आइसक्रीम जो बनाया हुआ है उससे फालूदा बनाते हैं। तो फालूदा बनाया और बवाल हो गया। बाबा फालूदा इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट फालूदा ब्रांड इन मुंबई। आप अगर रात के टाइम पे यहाँ पे आओगे तो आई एम श्योर आपको पता लग जाएगा। हम शायद यहाँ पे माहिम के यहाँ पे है और यहाँ पे उनकी एक ब्रांच है बाबा फालूदा की। एंड गाइज दिस इज मंदार, आर लवली फ्रेंड, हमारे लिए मैडी है, और ये है सर्वेश। हेलो चैनल वेल, और इसकी ये खिलौने वाली बाइक। सॉरी, नहीं, बहुत बढ़िया बाइक है। ये बाइक के बारे में ज़्यादा जानेंगे जब हम गेटवे ऑफ इंडिया पे बैठेंगे। परफॉर्मेंस देखने लायक कोई चीज़ नहीं है ये बाइक में। किधर है? और बाप रे बाप, ये वही फेक वाला है क्या? सो गाइज दिस इज वन ऑफ आवर अनदर फ्रेंड मंदार एंड हमारे लिए मैडी, और ही इज ऑल्सो वन ऑफ द बाइक एंथूजियास्ट लाइक अस। इसकी अमेजिंग सी ड्यूक KTM बाइक है, कितने CC वो मेरे को आइडिया नहीं है, लेकिन हम पूछ लेंगे उसको। इन्होंने अभी एक सॉलिड वाली कोंकण राइड करी है। द सुपर अमेजिंग मरीन लाइंस, and this is called as the Marine Drive, even called as the Queen's Necklace in Mumbai. Just crazy, itni sari yaadein hain marine lines ke sath. Actually meri wife mujhe pehle yahan pe leke aayi thi sabse pehli bar,
बचपन में तो माँ बाप लेके ही आए थे, लेकिन मेरी वाइफ मुझे यहाँ पे पहली बार लेके आई थी और कड़कती धूप में उसने मुझे मरीन लाइन पर बिठा कर चना खिलाया था। ये क्या है, ये शायद ओवल मैदान है। आई एम राइट। दिस इज ओवल मैदान एवरीवन। और यहाँ पर जो काम चल रहा है, दिस इज फॉर द मरीन रोड दैट दे आर कंस्ट्रक्टिंग। कुछ अमेजिंग सा होने वाला है मुंबई में एंड वी आर सुपर रेडी फॉर इट, सुपर चार्ज्ड अप फॉर इट। तो गाइज एक बार फिर से मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, हैवी राइडर लोग बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। सो एक बार फिर से मैं बताना चाहता हूँ, तो दिस इज़ मरीन लाइन्स एंड वेलकम टू मुंबई वंस अगेन। अभी आगे जाके देखते क्या होता है। जस्ट एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। वाह दीदी, वाह दीदी। जैसे कि आपको मालूम है, अभी बीच में रिसेंटली क्या हुआ था कि मंदार ने की थी एक कोंकण राइड। आइए जानते हैं उससे कि कोंकण राइड करने लायक है भी कि बस ऐसे ही है, कमर वमर टूट गई, बाइक के लग गए, खुद के लग गए। तो आइए जानते हैं मंदार से। ब्रो कैसा था कोंकण राइड? अरे एक नंबर कोंकण राइड करोगे तुम लोग को, मतलब बहुत कुछ एक्सप्लोर करने के लिए। मतलब अगर तुम लोग रेनी सीजन में करते हो तो बहुत, मतलब प्रोटेक्टिव गियर वगैरह तुम लोग की बहुत ज़रूरी है, बट रेनी सीजन में कुछ अलग ही एटमॉस्फेयर रहता है। वैसे हम लोग ने की थी तभी विंटर था, तो मतलब पूल ब्रिजेस वगैरह बहुत, मतलब एक्सपीरियंस करने मिल रहा था हम लोग। अच्छा हमको सिखा दिया है। हर एक बीच पे तुम लोग कोंकण के जा सकते हो, मतलब जैसे तुम लोग मुंबई में वगैरह जाते हो या फिर कहीं भी जाते हो तो तुम लोग को बीच के बाहर बाइक पार्क करना पड़ता है। उससे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा कि ये खिलौने वाली बाइक चल पाई क्या? अरे बहुत बहुत मतलब कोंकण के जो बीच है वहाँ का सैंड का जो स्ट्रक्चर है, मतलब बहुत ही, मतलब स्टिफ रहता है। तो वहाँ पर तुम लोग कैसे कि सैंड पे तुम लोग एक्चुअल में बाइक चला सकते हो, तो पूरा तुम लोग समुंदर के कॉर्नर से, मतलब किनारे से तुम लोग पूरा ऐसा बाइक चलाते हुए जा सकते हो। और इवन बाइक समुंदर के अंदर भी, मतलब पूरा नहीं डालना है पर एटलीस्ट आपका पहिया भीग जाए उतना तुम लोग डाल सकते हो। वाला भी लेके जाए। लू ना वीडियो, लू ना आपका बूस्ट पीते हुए। अरे क्या लोग मालिक, वीडियो बनाते हुए वीडियो अपना ही बनाओ। अरे हम कहा, आप हीरो लग रहे हो यार आज। नहीं यार, जरा पिलाओ कड़क बूस्ट एकदम डबल मार के। थैंक यू भाई। भाई चीयर्स मार ले भाई। चीयर्स ब्रो। सही है गाइस, मजा आ गया। एक नंबर शॉर्ट राइड विद माय बॉडी ऑन द ड्यूक केटीएम 250 एंड क्या ही बोलूं, मुंबई के रास्तों के बारे में तो क्या ही बोलूँ, आपको तो इतना सुना ही दिया मैंने। सो दिस इज़ अस गोइंग बैक होम। रात के बजे हैं आई थिंक, यप 2 बज चुके हैं रात के। और हम जा रहे हैं, हम लौट रहे हैं फिर से अपने घर।
यार ये साउथ बॉम्बे आके ऐसे बूस्ट पीना, मरीन ड्राइव पर टाइम पास करना और अपनी खुद की बाइक्स चला कर आना, यही अमेजिंग मज़ा है गाइस। मज़ा आ जाता है ये चीज़ देखने में। सो ऐसा ही प्लान है कि यार हर हफ्ते में एक राइड करेंगे, छोटी तो छोटी बड़ी तो बड़ी, जैसे ही मौका मिले, जैसे ही टाइम निकले बिजी शेड्यूल से। सो दिस वॉज इट गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस शॉर्ट वीडियो अंटिल नाउ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो या ऐसी राइड्स आपको देखने में मज़ा आ रहा हो तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फैमिली, विद योर फ्रेंड्स, विद योर फेलो राइडर्स, विद योर ग्रुप बेसिकली। और हम प्रोफेशनल तो है नहीं, तो हम सीख सीख के ही सुधर रहे हैं। हर बार ट्राई होगी कि सीख कर थोड़े अच्छे अच्छे वीडियोस डालें, थोड़ी गलतियां सुधारें। जैसे कि लास्ट वीडियो में शायद कैमरा एंगल प्रॉपर नहीं था, तो उसको थोड़ा अच्छा किया हुआ है इस वीडियो में। और माइक सेटिंग भी अच्छी नहीं थी, बैकग्राउंड नॉइज़ भी बहुत ज़्यादा थी, तो उसको थोड़ा बेहतर किया हुआ है। सो आई होप सारी चीज़ें अच्छी हो। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, अगर नए हो तो पक्का सब्सक्राइब का बटन नीचे है दबा दो। अपनी फैमिली जो है वो 1500 स्ट्रॉन्ग हो गई है, हमें इसे कुछ भी करके 1 मिलियन तो कुछ ज़्यादा ही बोल दिया यार भाई, सॉरी, लेकिन 1 मिलियन तो करना ही है बॉस कुछ भी करके। और भी अच्छी अच्छी वीडियोस आएंगी, और भी अच्छी अच्छी राइड्स करेंगे, और भी अच्छी अच्छी जगह पे खाना खाएंगे और आपको दिखाएंगे, आपको ले चलेंगे साथ में। सो दिस इज़ मी साइनिंग ऑफ फ्रॉम लिविंग विद राजपूत, अंटिल नेक्स्ट टाइम, पीस आउट। सो गाइज नहीं फ्लैश कम आ रहा है, टेक टू। BTS भी आने थे ना।